सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर निवेश के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनी एयरबड्स, कोई से भी आपके एयरबड्स है और कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जल्दी जल्दी अपने भाई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना है, तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बस, और हाँ, आपके हेडफोन में भी या ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं ब्लूटूथ ओपन करता हूँ। तो ब्लूटूथ ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अभी मेरा कनेक्ट है। अगर किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो प्रीवियस कनेक्शन डिवाइस है उसको आपको सेटिंग में क्लिक करके फॉरगेट कर देना। जैसे मैं फॉरगेट में क्लिक करके कैंसिल और फॉरगेट का ऑप्शन है, फॉरगेट डिवाइस में क्लिक करके फॉरगेट कर देता हूँ। ऐसे ही आपको सिंपली यही करना है दोनों ऑप्शन में। ये करने के बाद आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ से आपको सर्च करना है ब्लूटूथ। देख सकते हैं कि कुछ सेटिंग इंटरफेस आ रहा होगा। तो सबसे लास्ट में दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ब्लूटूथ ऐप इन्फो में और ब्लूटूथ माईडी सर्विस। तो आपको ब्लूटूथ ऐप इन्फो वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना होगा, परमिशन में क्लिक करके यहाँ से क्या नहीं परमिशन में नहीं बैक करना, और आपको स्टोरेज एंड कैची में क्लिक करने के बाद क्लियर कैची और क्लियर स्टोरेज कर देना, और ओके में क्लिक करके क्लियर स्टोरेज कर देना। स्टोरेज करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, लास्ट वाला ऑप्शन है, सेम वही प्रोसेस आपको करना है, ब्लूटूथ मिडी डिवाइस पर क्लिक करके स्टोरेज में क्लिक करके क्लियर कैची हो जाएगा। सही है, तो फिर आप कनेक्ट यहाँ से करेंगे तो आपको इजीली यहाँ से डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ऐसे वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।